हेलो फ्रेंड्स, सुबह की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन डिश, साबूदाने की खिचड़ी। देखिए, उसके लिए मैंने लिया है यहाँ साबूदाना एक कटोरी। साबूदाने को हमें भिगोकर नहीं रखना है, सिर्फ पानी से धो कर के छन्नी से छान लेना है। इस तरह से हम इसे फिलो देंगे तो हमारी खिचड़ी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें मैं करीब 3 चम्मच तेल डाली हूँ। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा। आप जीरा थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने यहाँ डाला है 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और मीठा नीम पत्ती, जिसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है। देखिए, सब चटक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कच्चे आलू। हमें आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है ताकि खिचड़ी में जाके घुले ना और अच्छी तरह से दिखे। अगर हम छोटा छोटा आलू काटेंगे तो आलू पूरी तरह से गल जाएंगे और उसमें आलू का पता ही नहीं चलेगा कि खिचड़ी में आलू डला है। अब मैं इसमें 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ आलू को। अब हम इसमें डालेंगे कच्चे साबूदाना, जिसे हमने धो के रखा था। ये साबूदाना छोटे हैं, आप चाहें तो थोड़ा बड़ा साबूदाना भी ले सकते हैं। दोनों से ही खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम तेल में तल लेते हैं लो फ्लेम में, ताकि साबूदाना थोड़ा सा आलू और सभी चीज़ों में मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फ्राई हो जाए। यह डिश बहुत ही अच्छी लगती है। हमने बहुत सारी खिचड़ी तो खाई है सूखी वाली, पर ऐसी नहीं खाई है, इसलिए आज हम इसे बनाते हैं। अब मैं इसमें करीब 1 लोटा पानी डालूंगी। आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि साबूदाने को पकने में भी तो टाइम लगता है और ये अच्छी तरह से पकना भी चाहिए और थोड़ा सा थिक बनाएंगे इसे, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है। और मैंने यहाँ पर लिया है सेंधा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे नॉर्मल भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे उपास के लिए बना रही हूँ। अब इसे चम्मच से चला लेंगे और इसे हाई फ्लेम में करीब 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे, ताकि साबूदाना थोड़ा सा पक जाए। देखिए, इसे ढक लेते हैं और करीब 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। 5 मिनट हो चुका है, साबूदाना देखिए खोल चुका है अच्छी तरह से पानी और साबूदाना भी पकते हुए आ गए हैं। इसे हमें अभी और पकाना है, थोड़ा गाढ़ा करना है और साबूदाना को ऐसे पकाना है ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए और दिखने लगे कि खिचड़ी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। इसे ढक करके फिर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं हाई फ्लेम में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, साबूदाना पक चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर, लाल लाल, ताकि खिचड़ी बहुत ही सुंदर दिखे और कलरफुल दिखे। अब इसे चम्मच से चला लेंगे। अभी इसे हम और 3 से 4 मिनट ढक करके पकाएंगे, ताकि टमाटर भी गल जाए। इस खिचड़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और झटपट बन जाती, ना फिलोने का झंझट ना किसी चीज़ का। देखिए, खिचड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। हमें इतनी ही ठीक रखना, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, नहीं तो ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब मैंने यहाँ लिया है फल्ली दाना भुना हुआ, इसके छिलके निकाल लिए, इसे डाल देंगे। और अब मैं डालूंगी इसमें हरी हरी खूब सारी धनिया पत्ती, ताकि बहुत ज़्यादा फ्लेवर दे और खूब सुंदर दिखे, कलरफुल, इसलिए। अब इसे चम्मच से चला लेते हैं। देखिए, खिचड़ी बनकर तैयार है। जब भी आप फास्ट हो, 15 से 20 मिनट में ऐसी खिचड़ी बना सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और सुंदर भी दिखती है। अगर साबूदाना की खिचड़ी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।